आज की कहानी का शीर्षक है हाथी और छह अंधे व्यक्ति। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में छह अंधे व्यक्ति रहते थे। एक दिन गांव वाले ने उन्हें बताया, अरे आज गांव में हाथी आया है। उन्होंने आज तक बस हाथी के बारे में सुना था, लेकिन कभी छूकर नहीं देखा था। उन्होंने कभी महसूस नहीं किया था कि कैसा होता है। उन्होंने निश्चय किया कि भले ही हम हाथी को देख नहीं सकते, पर आज हम सब चलकर उसे महसूस तो कर सकते हैं ना। और फिर वो सब उस जगह चल दिए जहां हाथी आया हुआ था। सभी ने हाथी को छूना शुरू किया। मैं समझ गया, हाथी खंभे की तरह होता है। पहले व्यक्ति ने पैर छूते हुए कहा, अरे नहीं, हाथी तो रस्सी की तरह होता है। दूसरे व्यक्ति ने पूंछ पकड़ते हुए कहा, मैं बताता हूं, ये तो एक पेड़ के तने की तरह है। तीसरे व्यक्ति ने सूंड पकड़ते हुए कहा, तुम लोग क्या बात कर रहे हो, हाथी बड़े का हाथ के पंखे की तरह होता है। चौथे व्यक्ति ने कान छूते हुए सभी को समझाया, नहीं नहीं, ये तो एक दीवार की तरह है। पांचवे व्यक्ति ने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, ऐसा नहीं है, हाथी तो एक कठोर नली की तरह होता है। छठे व्यक्ति ने अपनी बात रखी और फिर सभी आपस में बहस करने लगे और खुद को सही साबित करने के में लग गए। उनकी बहस इतनी तेज हो गई कि वो आपस में लड़ने लगे। तभी वहां से एक बुद्धिमान व्यक्ति गुजर रहा था, वह रुका और उसने पूछा, क्या बात है भाई, क्यों लड़ रहे हो आपस में? तब उन्होंने बोला, हम यह तय नहीं कर पा रहे कि आखिर हाथी दिखता कैसा है, उन्होंने उत्तर दिया। और फिर बारी बारी से उन्होंने अपनी बात उस व्यक्ति को समझाई। बुद्धिमान व्यक्ति ने सभी की बात शांति से सुनी और बोला, तुम सब अपनी अपनी जगह सही हो। तुमने जो वर्णन में अंतर बताए हैं, क्योंकि तुम सब ने हाथी को अलग अलग भाग छुए हैं। पर देखा जाए तो तुम लोगों ने जो कुछ भी बताया वो सभी हाथी को दर्शाने के लिए सही बैठते हैं। अच्छा, ऐसा है, सभी ने एक साथ उत्तर दिया। उसके बाद कोई विवाद नहीं हुआ और सभी खुश हो गए कि वो सब सच बोल रहे थे। सो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी बात को लेकर अड़ जाते हैं, हम ही सही हैं और बाकी सब गलत। लेकिन यह संभव है कि हमें सिक्के का एक ही पहलू दिख रहा हो और उसके अलावा भी कुछ ऐसे तथ्य हों जो सही हों। इसलिए हमें अपनी बात तो रखनी ही चाहिए, पर दूसरों की बात भी सबसे सुननी चाहिए और कभी भी बेकार की बहस में नहीं पड़ना चाहिए। वेदों में भी कहा गया कि एक सत्य को कई तरीके से समझाया और बताया जा सकता है। जब अगली बार आप ऐसी किसी बहस में पड़े तो याद कर लीजिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके हाथ में सिर्फ पूंछ है और बाकी इससे किसी और के पास है। सो दोस्तों, एक छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।